हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन यानी कि त्रिकोणमितीय समीकरण पढ़ेंगे। पिछले दो क्लास में मैं आपको थ्योरी बताया था और साथ फॉर्मूला में आपको सिद्ध करके दिखाया था, साथ ही साथ एनसीईआरटी से मैं ऑलमोस्ट सभी एग्जांपल्स को बताया था। और आज बच्चों इस सेशन में मैं एनसीईआरटी के एक्सरसाइज को बताऊंगा, लेकिन एक्सरसाइज बताने से पहले जो फॉर्मूला हम लोग पढ़े हैं उस फॉर्मूला को मैं एक बार फिर से लिख देता हूं ताकि आपका रिवीजन हो जाएगा और एक्सरसाइज बनाने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो आइए पहले मैं फॉर्मूला को लिखता हूँ। देखिए क्या क्या फॉर्मूला हम लोग सिद्ध किए हैं। नंबर वन था साइन थीटा इक्वल टू जीरो इंप्लाइज थीटा इक्वल टू एन पाई, एन बिलोंग्स टू जीरो। सेकेंड नंबर था टेन थीटा इक्वल टू जीरो इंप्लाइज थीटा इक्वल टू एन पाई, एन बिलोंग्स टू जीरो। थर्ड था cos थीटा इक्वल टू जीरो इंप्लाइज थीटा इक्वल टू टू एन प्लस वन इंटू पाई बाय टू, एन बिलोंग्स टू जेड। फोर्थ था cot थीटा इक्वल टू जीरो इंप्लाइज थीटा इक्वल टू टू एन प्लस वन इंटू पाई बाय टू, एन बिलोंग्स टू जेड। फिफ्थ था साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फा इंप्लाइज थीटा इक्वल टू एन पाई प्लस माइनस वन के पावर एन इंटू अल्फा, एन बिलोंग्स टू जेड। सिक्स था कॉस थीटा इक्वल टू कॉस अल्फा इंप्लाइज थीटा इक्वल टू टू एन पाई प्लस माइनस अल्फा, एन बिलोंग्स टू जेड। सेवन था आपका टेन थीटा इक्वल टू टेन अल्फा इंप्लाइज थीटा इक्वल टू एन पाई प्लस अल्फा, एन बिलोंग्स टू जेड। होप कि ये फॉर्मूला आपको याद होगा। साथ ही साथ आप कहेगा सर कंजूसी क्यों कर रहे हैं, साइन कॉस टेन कॉट हो गया तो सेक और कोसेक क्यों छोड़ दिए, तो उसका रीजन मैं आपको बताया था। मैं आपको एक बार फिर से बता देता हूं। क्या मैं बता देता हूं, नोट में मैं लिख देता हूं। नोट नंबर वन आपका जो मैं छोड़ा हूं, क्या क्या छोड़ा हूं मैं, सेक थीटा एंड कोसेक थीटा कैन नोट बी इक्वल टू जीरो, यानी कि सेक थीटा और कोसेक थीटा कभी भी आपका जीरो के बराबर नहीं होता है। इसीलिए मैं यहां पर दो फॉर्मूला छोड़ दिया हूं। फिर आपका साइन कॉस टेन, यहां पर मैं तीन फॉर्मूला लिखा और तीन फॉर्मूला में जो छोड़ दिया हूं क्या क्या, तो कोसेक साइन का उल्टा होता है, फिर सेक कॉस का उल्टा होता है, कॉट टेन का उल्टा होता है। यदि कॉसेक कहीं दिखेगा तो आप उसको पलटी मारकर साइन का फॉर्मूला लगा दीजिएगा, सेक दिखेगा तो उसको पलटी मारकर कॉस का फॉर्मूला लगा दीजिएगा, कॉट दिखे तो उसको पलटी मारकर टेन का फॉर्मूला लगा देना है, समझ गए। तो उसके लिए आपको अलग से फॉर्मूला को डेराइव करने की जरूरत नहीं है। इसी साथ फॉर्मूला से हम लोग जितने भी सवाल है सभी सवाल को बनाएंगे। तो होप कि आप मेरे पिछले सेशन को एंजॉय किए होंगे और इस सेशन को भी आप एंजॉय कर रहे होंगे, ठीक है। तो पहले इसको नोट कीजिए फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। नोट करने का मतलब है कि आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि लिखने में आपको टाइम लगेगा, तो आप अभी इसको स्क्रीनशॉट लीजिए फिर मैं एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन को बताता हूँ। फटाफट आप स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए हो गया तो आइए अब मैं
क्वेश्चन बताता हूँ, थोड़ा सा टाइम लगता है मिटाने में, कोई दिक्कत नहीं है, टाइम लगने दीजिए। आइए अब हम लोग एक्सरसाइज के क्वेश्चन को बनाते हैं। एक्सरसाइज 3.4, देखिए हम लोगों को क्या करना है, तो प्रिंसिपल सॉल्यूशन और जनरल सॉल्यूशन निकालना है एक से लेकर चार तक। हम लोग पढ़ रहे हैं आज एनसीईआरटी, समझ गए? तो एक से लेकर चार तक आपको प्रिंसिपल और जनरल सॉल्यूशन निकालना है। क्वेश्चन वन क्या कहता है, वन टेन एक्स इक्वल टू है रूट थ्री, और क्या फाइंड करना है, फाइंड प्रिंसिपल एंड जनरल सॉल्यूशन, प्रिंसिपल एंड जनरल सॉल्यूशन। ठीक है, तो आइए इसको सॉल्व करते हैं, क्या तरीका है आप सीखे ही होंगे। ठीक है, आइए इसको सॉल्व किया जाए। ठीक है, तो देखिए इसको सॉल्व कीजिए। गिवन यानी कि दिया, क्या दिया है, 10x इक्वल टू आपका क्या है, तो आपका है रूट थ्री, समझ गए? तो सबसे पहले आपको प्रिंसिपल सॉल्यूशन ही निकालना है, तब जाकर जनरल सॉल्यूशन मिलेगा। तो अब आप एक बात बताइए, बोलेगा मास्टर साहब क्या बताएं कि 10 कितना डिग्री का मान रूट थ्री होता है, बोलिए फटाफट। तो बोलेगा सर 60 डिग्री, 60 डिग्री, तो बिल्कुल सही आप बोलिएगा, यानी कि आप लिखिएगा 10 60 डिग्री। ठीक है, एकदम सही है, लेकिन प्रिंसिपल सॉल्यूशन तो दो होता है, तो दो कैसे निकालिएगा, तो मैं आपको तरीका बताया था। क्या तरीका है कि इस तरह से आप बना लीजिए, समझ गए? और ये आपका वाई एक्सिस है, ये आपका एक्स एक्सिस है। मैं आपको पहले भी बताया था कि वाई एक्सिस का यूज आपको नहीं करना है, तो वाई एक्सिस को आप काट दीजिए। अच्छा, अब देखिए तो 10 आपका पॉजिटिव है, धनात्मक है, तो 10 आपका फर्स्ट घर, ये सेकेंड, ये आपका थर्ड, ये फोर्थ, तो 10 आपका फर्स्ट घर में पॉजिटिव मिलेगा और 10 आपका थर्ड घर में यानी कि थर्ड क्वाड्रेंट में आपको पॉजिटिव मिलेगा। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो आपका कितना डिग्री है, 60 डिग्री है, और सेकेंड क्वाड्रेंट में जाने के लिए आपको 180 प्लस करना पड़ेगा, सेकेंड नहीं बल्कि थर्ड क्वाड्रेंट में आने के लिए आपको 180 प्लस करना पड़ेगा। 180 में क्या प्लस कीजिएगा, यही 60 को, यानी कि 60। कहने का मतलब है यहां पर और साथ में आप क्या लिख सकते हैं कि 180 डिग्री प्लस आपका क्या हो गया, तो 60 डिग्री, यानी कि देखिए तो आपको क्या मिला। कहने का मतलब है कि 10x इक्वल टू 10 60 डिग्री और 10 180 और 60 को जोड़ दीजिए तो 240 हो जाएगा, 240 हो जाएगा, यानी कि 240 डिग्री, और डिग्री को आप रेडियन में बदल दीजिए, समझ गए?
तो डिग्री को कैसे रेडियन बदलिएगा, देखिए मैं आपको बताता हूं। तो इंप्लाइज टेन एक्स इक्वल टू टेन, इसको आप मल्टीप्लाई कर लीजिए पाई बाय 180 से। यहां पर भी आपका हो गया 10, 240 को मल्टीप्लाई कर लीजिए पाई बाय 180 से। और अब देखिए तो ये कटेगा तो काट दीजिए, छेद के 18, ये दोनों खत्म, छेद के 18 और 6 चौके 24। कहने का मतलब है कि आपको 10x इक्वल टू 10 पाई बाय 3 और 10 4 पाई बाय 3 मिल गया। तो यही जो एंगल हुआ, जो कोण हुआ, यह आपका प्रिंसिपल सॉल्यूशन कहलाता है। लिखिएगा देयरफॉर प्रिंसिपल सॉल्यूशंस आर पाई बाय 3 एंड 4 पाई बाय 3। हिंदी में क्या लिखिएगा, लिखिएगा अतः मुख्य हल पाई बाय 3 तथा 4 पाई बाय 3। समझिए हम लोग क्या किए, तो हम लोग प्रिंसिपल सॉल्यूशन को निकाल लिए। अब आपको क्या निकालना है, तो अब आपको निकालना है जनरल सॉल्यूशन। तो जनरल सॉल्यूशन में आपको 10 वाला फॉर्मूला लगेगा। अब यहां पर लिखिएगा 4 जनरल सॉल्यूशन, हाँ, 10 थीटा बराबर 10 अल्फा रहे तो थीटा बराबर एन पाई प्लस अल्फा, एन बिलोंग्स टू जे, समझिए ये आपका फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो यहां पर आपका थीटा के जगह पर एक्स है और अल्फा के जगह पर दो वैल्यू है, या तो आप पाई बाय 3 ले लीजिए या फिर आप 4 पाई बाय 3। समझिए अल्फा यहां पर दो है, क्या क्या अल्फा है, या तो आप पाई बाय 3 ले लीजिए या 4 पाई बाय 3 ले लीजिए। तो यहां पर x बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर n पाई प्लस, यदि मैं पाई बाय 3 लेता हूं, पाई बाय 3 n बिलोंग्स टू z, एक तो ये सॉल्यूशन होगा, या दूसरा क्या हो जाएगा आपका x बराबर n पाई प्लस आप 4 पाई बाय 3 ले लीजिए, यानी कि 4 पाई बाय 3 n बिलोंग्स टू z। कहने का मतलब है कि आपको दो सॉल्यूशन मिल सकता है जनरल में। अच्छा, जनरल में क्या है कि आप इस दोनों में से किसी एक को भी लिखिएगा तो आपका काम चल जाएगा। समझिए जनरल में आपको यह दोनों लिखकर दिखाने की जरूरत नहीं है, भले मैं लिखकर दिखा देता हूं लेकिन कोई आप एक भी लिखिएगा तो आपका काम चल जाएगा। लेकिन प्रिंसिपल में आपको यह दोनों सॉल्यूशन को लिखना पड़ेगा। समझिए, तो ये आपको समझ में आया कि नहीं आया, आप फटाफट कमेंट करके बताइए, फटाफट तेजी से बताइए। ठीक है, फटाफट बोलिए। चलिए, वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बहुत अच्छा। ठीक है, चलिए आइए अब इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, तो स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं अगले सवाल को बताता हूं। ठीक है दोस्तों, चलिए ठीक है, इसको नोट कर लिया, स्क्रीनशॉट ले लिए, तो मैं मिटाता हूं। चलिए अब अगले क्वेश्चन को देखा जाए।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका क्या है, क्वेश्चन नंबर टू। क्या कहता है, इफ sec x इक्वल टू टू फाइंड प्रिंसिपल एंड जनरल सॉल्यूशन, sec x इक्वल टू टू है तो आपको प्रिंसिपल और जनरल सॉल्यूशन निकालना। sec का तो फॉर्मूला आप जानते ही नहीं, तो एक चीज आप जानते हैं कि sec को आप cos में बदल सकते हैं और फिर cos का फॉर्मूला आपको अप्लाई कर देना है। तो आइए सॉल्व कीजिए, क्या लिखिएगा, चूंकि sec x इक्वल टू टू है, पलटी मार दीजिए, इंप्लाइज 1 बाय sec x इक्वल टू 1 बाय 2, कहने का मतलब है कि cos x इक्वल टू आपका हो गया 1 बाय 2, ठीक है। तो अब देखिए तो क्या कीजिएगा, cos x बराबर किसका मान 1 बटे 2 होता है, cos में किसका वैल्यू 1 बाय 2 होता है, तो बोलिएगा सर 60 डिग्री, 60 डिग्री, बिल्कुल सही बोले, cos 60 डिग्री। लेकिन जब आप प्रिंसिपल सॉल्यूशन निकाल रहे हैं तो आपको 2 मिलेगा, तो 2 कैसे मिलेगा, उसके लिए आपको घर बनाना पड़ेगा। देखिए कैसे घर बनाइएगा, देखिए x y x डैश y डैश फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट, cos का वैल्यू कितना है, पॉजिटिव है, तो आपका cos फर्स्ट घर में पॉजिटिव होता है और cos फोर्थ क्वाड्रेंट में आपका पॉजिटिव होता है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो आपका 60 डिग्री है, x एक्सिस का आप यूज नहीं कर सकते हैं, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में जाने का रास्ता क्या है, 360 माइनस थीटा, यानी कि 360 माइनस थीटा, 360 माइनस थीटा, थीटा के जगह पे 60 डिग्री लिखिएगा, यानी कि अब यहाँ पर कॉस 360 माइनस 60 डिग्री आप लिख सकते हैं, समझ गए। कहने का मतलब है क्या मिला, यानी कि कॉस एक्स इक्वल टू कॉस 60 डिग्री और कॉस 300 डिग्री हो जाए, और आप डिग्री को रेडियन में बदल दीजिए, तो क्या कीजिएगा, implies cos x equal to cos 60 into pi by 180 cos 300 into pi by 180, ठीक। तो अब काटिए तो देखिए कटेगा, छेद किया 18, ये आपका कट गया 6 × 18, 6 × 5 = 30, यानी कि आपको क्या मिल गया, तो आपको मिल गया cos x इक्वल टू cos pi by 3 और cos pi by 3, तो यही दो आपका मिल गया प्रिंसिपल सॉल्यूशन। इंप्लाइज प्रिंसिपल सॉल्यूशंस आर क्या क्या है, pi by 3, दो प्रिंसिपल सॉल्यूशन मिल गया। और जब प्रिंसिपल सॉल्यूशन मिल जाए तो जनरल सॉल्यूशन तो बस सिर्फ फॉर्मूला पर आपको बैठा देना है। अब क्या लिखिएगा, अब लिखिएगा 4 जनरल सॉल्यूशन क्या होता है, cos थीटा इक्वल टू cos अल्फा implies थीटा इक्वल टू 2n pi प्लस माइनस अल्फा, एन बिलोंग्स टू जे, ठीक है। तो यहां पर आपका क्या हो जाएगा, थीटा के जगह एक्स है, एक्स इक्वल टू एन पाई प्लस माइनस अल्फा, अल्फा या तो ये ले सकते हैं या फिर ये ले सकते हैं, दोनों में से कोई भी आपका आंसर हो सकता है। तो पहली बार मैं लिख देता हूं पाई बाय 3 एन बिलोंग्स टू जे,
और आपका हो सकता है 2n पाई प्लस माइनस आपका हो गया पाई पाई बाय 3 n बिलोंग्स टू j, यानी कि इस दोनों में से आपका कोई भी एक लिख दीजिए तो वही आपका आंसर हो जाएगा। मैं एक बार चेक कर लेता हूं कि एनसीईआरटी क्या लिखा है, हालांकि आप दोनों में से कोई भी लिखिएगा तो आपका आंसर बिल्कुल ही सही होगा। 3.4 देखे तो आपका 3.4 में क्या आंसर है, तो ये भाई साहब फर्स्ट लिखा है, कोई दिक्कत नहीं है बाबू, आप दोनों ही लिख सकते हैं, समझ गए। तो इसको फटाफट आप स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं मिटाकर अगले क्वेश्चन को बताता हूं, ठीक है, फटाफट लीजिए आप स्क्रीनशॉट। चलिए हो गया, चलिए मैं मिटाकर बताता हूं आगे। दो बार मिटाना पड़ता है तब साफ मिटता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन अब मैं बताता हूं, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या है। क्वेश्चन 3 cot x इक्वल टू माइनस रूट 3 है और हम लोगों को फाइंड प्रिंसिपल एंड जनरल सॉल्यूशन, हाँ प्रिंसिपल एंड जनरल सॉल्यूशन हम लोगों को निकालना है। क्या होता है प्रिंसिपल सॉल्यूशन और जनरल सॉल्यूशन का हिंदी मैं एक बार लिख देता हूं, यानी कि cot x इक्वल टू माइनस रूट 3 है तब मुख्य हल तथा व्यापक हल ज्ञात करें, समझ गए, मुख्य हल या व्यापक हल आपको ज्ञात करना है, ठीक है। आइए हम लोग इसको ज्ञात करते हैं, क्या कीजिएगा तो आपका हो गया सोल्यूशन। cot x इक्वल टू आपका है माइनस रूट 3, तो cot का फॉर्मूला तो आप नहीं जानते हैं, आप tan का जानते हैं तो cot को बदल दीजिए tan में, तो क्या हो जाएगा implies 1 by tan x इक्वल टू माइनस रूट 3, पलटी मार दीजिए तो tan x बराबर हो जाएगा माइनस 1 by रूट 3। कहने का मतलब है कि tan x इक्वल टू माइनस तो रहने दीजिए, समझ गए, माइनस रहने दीजिए, और आप एक चीज बताइए कि टेन किस एंगल का मान, किस कोण का मान 1 बाय रूट 3 होता है, तो आप कहिएगा 30 डिग्री, तो बिल्कुल सही है, आप अपने जगह पे बिल्कुल सही है, तो आप क्या लिख दिए टेन 30 डिग्री, ठीक। अब देखिए अब आप क्या कीजिए, तो अब आपको बनाना है क्वाड्रेंट x, y, x dash, y dash, first quadrant,
सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है। और आप देखिए कि 10 यहाँ पर निगेटिव है, माइनस है, तो 10 किस किस घर में माइनस होता है? कहेगा सर 10 आपका सेकेंड घर में माइनस होता है और 10 आपका चौथा घर यानी कि फोर्थ क्वाड्रेंट में माइनस होता है। आप वाई एक्सिस का यूज तो कर ही नहीं सकते हैं, वाई एक्सिस आपको दिक्कत कर देगा। तो अब इस घर में आने का क्या तरीका है? तो 180 माइनस, और फोर्थ क्वाड्रेंट में आने का क्या तरीका है? 360 माइनस, और माइनस क्या कीजिएगा? तो जो आप एंगल निकाले हैं, एंगल कितना निकाले हैं, कितना कोण निकाले हैं, तो 30 डिग्री। यहां पर क्या कीजिए कि आप माइनस में कर दीजिए कितना? 30 डिग्री, यानी कि यही दो एंगल आपको लिखना पड़ेगा। समझिए, कोई दिक्कत परेशानी तो बोलिए फटाफट, कमेंट कीजिए, कमेंट करके बताइए कोई दिक्कत परेशानी आपको। तो ठीक, सब ठीक ठाक, चलिए ठीक है, वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बहुत अच्छा। चलिए आइए, आप क्या लिखिएगा? इम्प्लाइज 10x इक्वल टू, अब इस माइनस को छोड़ दीजिए, आप क्या लिख दीजिएगा? 10 180 माइनस 30 डिग्री और 10 यहां पर 360 डिग्री माइनस 30 डिग्री। कहने का मतलब है कि 10x इक्वल टू 10 150 डिग्री और 10 330 डिग्री होगा, 330 डिग्री। अब आप डिग्री को रेडियन में बदल दीजिए, तो क्या कीजिएगा? इंप्लाइज 10x इक्वल टू 10, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए पाई बाय 180 से, 10 इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए पाई बाय 180 से, अब ये रेडियन में बदल गया। तो देखिए तो कटेगा, तो ये आपका 0 0 कैंसिल, 5 3 15, 6 3 18, 0 0 कैंसिल, 11 3 33, 6 3 18। कहने का मतलब है कि आपको क्या मिल गया? तो 10x इक्वल टू 10 पाई पाई बाय 6 और 10 11 पाई बाय 6 हो गया, समझ गए। तो आपको प्रिंसिपल सॉल्यूशन यही दो मिल गया, लिखेगा देयरफॉर प्रिंसिपल सॉल्यूशंस आर पाई पाई बाय 6 एंड 11 पाई बाय 6। हिंदी में क्या लिखेगा? अतः मुख्य हल पाई पाई बाय 6 तथा 11 पाई बाय 6 है, ठीक है। और अब आप जब प्रिंसिपल सॉल्यूशन निकाल लिए, तो आपको क्या निकालना है? जनरल सॉल्यूशन। यहां पर लिखिए 4 जनरल सॉल्यूशन, फॉर्मूला 10 का लगाइए, क्या होता है? 10 थीटा इक्वल टू 10 अल्फा इंप्लाइज थीटा इक्वल टू एन पाई प्लस अल्फा एन बिलोंग्स टू जे, यही आपका फॉर्मूला होता है। तो यहां पर थीटा की जगह पर एक्स है, देयरफॉर एक्स इक्वल टू एन पाई प्लस अल्फा, अल्फा की जगह पर या तो आप 5 पाई बाय 6 लीजिए या 11 पाई बाय 6, दोनों ही हो सकता है। तो क्या लिख दीजिए? 5 पाई बाय 6 वेयर n बिलोंग्स टू j और x इक्वल टू n पाई प्लस 11 पाई बाय 6 n बिलोंग्स टू j। आपका ये दोनों ही आंसर हो सकता है, आप इस दोनों में से कोई भी आप एक लिख सकते हैं, समझ गए। ऐसा नहीं है कि आप ऊपर वाला ही लिखिए, नीचे वाला मत लिखिए, आप कोई भी लिख दीजिए, हाँ आपका बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। मैं देख लेता हूँ कि एनसीईआरटी में कौन सा आंसर दिया है। तो ये आपका जो है 3.3 नंबर है, ठीक है, हाँ ये फर्स्ट वाला आंसर दिया है, समझ गए। तो फर्स्ट भी हो सकता है और सेकेंड भी हो सकता है, दोनों ही आपका आंसर संभव है। अदर बुक में देखिएगा, कई सारे ऐसे बुक हैं जिसमें कि दो तीन एग्जांपल, दो तीन आंसर करके देते हैं,
इसलिए जितना संभव है मैं उतना आंसर को लिख दूंगा। मान लीजिएगा पहला आंसर नहीं लिखा, दूसरा आंसर लिख दिए, समझ गए, और आप घर पे आकर आंसर मिलाते हैं कि आंसर तो आप कुछ और लिख दिए, प्यारे बच्चों डरिए मत, बिल्कुल आपका सही होगा। हाँ, ये कोई भी दोनों में से एक लिख दीजिएगा, आपका आंसर बिल्कुल ही सही होगा, कोई गलत नहीं कर सकता, इसकी गारंटी मैं लेता हूँ, आपके सर प्रभाकर सर। ठीक है, फटाफट इसको नोट कीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं आगे कुछ क्वेश्चन को बनाता हूँ। ठीक है, फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए हो गया, हो गया, तो आइए हम मिटाते हैं। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कहता है। फोर नंबर क्या कहता है, देखिए क्वेश्चन फोर, कोसेक एक्स इक्वल टू माइनस टू, फाइंड प्रिंसिपल एंड जनरल सॉल्यूशंस। हम लोग निकालते हैं, समझे, सॉल्व करते हैं सॉल्यूशन। क्या दिया हुआ है, कोसेक एक्स इक्वल टू माइनस टू, आप तो कोसेक का फॉर्मूला नहीं जानते हैं, साइन का जानते हैं, इसको साइन में आप चेंज कर दीजिए, तो क्या कीजिएगा, इंप्लाइज वन बाय साइन एक्स इक्वल टू माइनस टू, पलटी मार दीजिए तो साइन एक्स इक्वल टू आपका हो जाएगा माइनस वन बाय टू। कहने का मतलब है कि साइन एक्स इक्वल टू माइनस वन बाय टू किसका वैल्यू होता है साइन में, तो 30 डिग्री का, यानी कि साइन 30 डिग्री, समझिए, और ये साइन नेगेटिव है, तो साइन किस किस घर में नेगेटिव होता है, कहां कहां साइन नेगेटिव होता है, तो बोलेगा सर तीसरा और चौथा घर में साइन नेगेटिव होता है, नहीं, और तीसरा घर चौथा घर में आपको जाने के लिए कभी भी वाई एक्सिस का प्रयोग नहीं करना है, यूज नहीं करना है, यहां पर कितना हो जाएगा 180 प्लस और यहां पर 360 माइनस, तो 180 प्लस आपका जो एंगल है वो कोण कितना है 30 डिग्री है, यहाँ पर 180 डिग्री प्लस 30 डिग्री कर दीजिए और यहाँ पर 360 डिग्री माइनस 30 डिग्री कर दीजिए, बस अब आपका गेम हो गया। अब देखिए क्या कीजिएगा, इंप्लाइज साइन एक्स इक्वल टू साइन, अब माइनस को छोड़ दीजिए, आप लिखिए 180 डिग्री प्लस 30 डिग्री या साइन 360 डिग्री माइनस 30 डिग्री, यानी कि आपका साइन एक्स बराबर साइन 210 डिग्री और साइन 330 डिग्री होगा। डिग्री को आप रेडियन में बदल लीजिए, तो कैसे बदलिएगा, तो साइन एक्स इक्वल टू साइन 210 गुनी पाई बटे 180 और फिर साइन 330 गुनी पाई बटे 180, तो देखिए तो क्या क्या कैंसिल होगा, ये दोनों खत्म, तीन से कटेगा, 6 3 18 7 3 21 0 0 खत्म, 11 3 33 6 3 18 यानी कि आपको क्या मिला,
तो वो साइन एक्स इक्वल टू साइन 7π/6 और साइन 11π/6, यही दो आपको मिल गया। क्या मिला? तो प्रिंसिपल सॉल्यूशन लिखिएगा, देयरफॉर प्रिंसिपल सॉल्यूशंस आर क्या क्या है, x बराबर 7π/6 एंड x इक्वल टू 11π/6। ठीक है, दो आपको प्रिंसिपल सॉल्यूशन मिल गया। अब आपको जनरल सॉल्यूशन निकालना है, तो लिखिएगा 4 जनरल सॉल्यूशन, यानी कि व्यापक हल के लिए, समझ गए, व्यापक हल के लिए क्या फॉर्मूला होता है, साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फा इंप्लाइज थीटा इक्वल टू एन पाई प्लस माइनस 1π/n इंटू अल्फा एन बिलोंग्स टू जे। आप इसी फॉर्मूला का अप्लाई कीजिएगा, तो थीटा की जगह एक्स है, एक्स बराबर एन पाई प्लस माइनस 1π/n इंटू अल्फा, अल्फा के जगह पे आप 7π/6 एन बिलोंग्स टू जेड ले सकते हैं, या एक्स इक्वल टू एन पाई प्लस माइनस 1π/n अल्फा, अल्फा के जगह पे आप 11π/6 एन बिलोंग्स टू जेड ले सकते हैं, समझ गए। और ये दोनों में से कोई भी एक आप लिख दीजिए तो आपका आंसर हो जाएगा। कोई जरूरी नहीं है कि आप इस दोनों को लिखिए, इसमें से किसी भी एक को लिख दीजिए आपका आंसर हो जाएगा। मैं मिलाता हूं, देखता हूं कि एनसीईआरटी में क्या लिखा है बाबू। तो 4 नंबर ये फर्स्ट वाला लिखा है, समझ गए, ठीक है, फर्स्ट वाला कोई दिक्कत नहीं, आप दोनों ही लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। तो 1 से 4 तक मैं देखिए, अब हम लोगों को 5 से लेकर 9 तक ये सारे क्वेश्चन का निकालना है सिर्फ और सिर्फ जनरल सॉल्यूशन। तो आइए एक एक करके हम लोग सॉल्व करते हैं, जो फॉर्मूला लगेगा उस फॉर्मूला को मैं फिर से लिख दूंगा, और उसी फॉर्मूला के आधार पर, उसी फॉर्मूला को बेस मानकर इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो सॉल्यूशन सबसे पहले सॉल्व कीजिए आप 5 को, क्या कहता है 5 नंबर, आपका कहता है कि cos 4x इक्वल टू cos 2x। तो आप क्या कीजिए कि दोनों को एक तरफ कर लीजिए, इंप्लाइज cos 4x माइनस कॉस 2x इक्वल टू आपका हो गया 0। ठीक, तो अब आपको एक फॉर्मूला अप्लाई करना है, कौन सा फॉर्मूला अप्लाई कीजिएगा, तो फॉर्मूला होता है कॉस सी माइनस कॉस डी इक्वल टू माइनस 2 साइन सी प्लस डी बाय 2 इंटू साइन सी माइनस डी बाय 2, समझे। तो देखिए सी के जगह पे 4x और डी के जगह पर आपका है 2x, तो क्या कीजिएगा, इंप्लाइज 2 साइन 4x प्लस 2x बाय 2 इंटू साइन 4x माइनस 2x बाय 2 हो गया। ठीक, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। आप क्या कीजिए, माइनस 2 साइन 4 और 2 कितना जी 6, और 6/2 3, यानी कि साइन 3x इंटू साइन 4 से 2 गया कितना 2, और 2 से भाग दीजिएगा 1 हो जाएगा, यानी कि x इक्वल टू आपका हो गया 0। ठीक, अब देखिए माइनस 2 तो 0 हो ही नहीं सकता, इसी दोनों को 0 होना पड़ेगा,
यानी कि क्या लिखिएगा, इंप्लाइज साइन 3x इक्वल टू 0 और साइन x इक्वल टू 0। और अब इसमें कौन सा फॉर्मूला आप अप्लाई कीजिएगा, हम लोग क्या पढ़े थे, हम लोग पढ़े थे साइन थीटा इक्वल टू 0 तो थीटा इक्वल टू एन पाई, एन बिलोंग्स टू जे, समझे, ये फॉर्मूला हम लोग पढ़े। तो क्या हो जाएगा, यहां पर 3x बराबर एन पाई और यहां से x बराबर कितना एन पाई, जहां पर एन बिलोंग्स टू जे, कहने का मतलब है x इक्वल टू एन पाई बाय 3 या x इक्वल टू एन पाई जहां पर n बिलोंग्स टू j, और यही आपका हो गया आंसर। समझिए यही आपका हो गया आंसर, कोई समस्या कोई परेशानी आपको नहीं होनी चाहिए और होगी भी नहीं। अच्छा बच्चों एक चीज आप देखिएगा कि यदि यहां पर हम लोग कोई और फॉर्मूला लगाते ना, कोई और फॉर्मूला यदि यहां पर हम लोग अप्लाई करते तो आंसर का फॉर्मेट बदल जाता, समझे। तो देखिए क्या होता है कि ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन में यानी कि त्रिकोणमितीय समीकरण में आप यदि बनाने का तरीका बदलिएगा तो आंसर का फॉर्मेट बदल जाएगा, यदि आप फॉर्मूला बदलिएगा तो आंसर का फॉर्मेट, तो आपका क्या है कि फॉर्मूला बदलने से आंसर का तरीका आंसर का फॉर्मेट बदल जाता है, इसीलिए इस चीज को आप विशेष आपको ध्यान में रखना है। कोई जरूरी नहीं है कि हर बुक में यही मेथड अप्लाई किया होगा, हो सकता है कि कोई दूसरा भी मेथड अप्लाई करके बनाए और उसके आंसर कुछ और आ जाए, समझे बच्चों। तो आपको यह माइंड सेट करना चाहिए कि हर एक क्वेश्चन के आंसर कोई जरूरी नहीं है कि वही मिले जो आपके बुक में दिया हुआ है, हो सकता है कि मैं मेथड बदल दूंगा, फॉर्मूला बदल दूंगा तो आंसर का फॉर्मेट भी बदल जाएगा, इस चीज को आप माइंड सेट कर लीजिए, ठीक है। तो ये क्वेश्चन तो हो गया, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन आइए देखिए, हम लोग कोशिश करते हैं इतना जगह में बनाने का। तो अब आपका रहा सिक्स नंबर, सिक्स इसमें क्या है कि साइन 3x प्लस कॉस x, बल्कि कॉस 3x, कॉस 3x प्लस कॉस x, इसको एक साथ ले लीजिए, माइनस कॉस 2x इक्वल टू आपका 0। और इसमें कौन सा फॉर्मूला आप अप्लाई कीजिएगा, तो इसमें फॉर्मूला आपका अप्लाई होगा cos c प्लस cos d इक्वल टू 2, cos c प्लस d बाय 2 इंटू cos c माइनस d बाय 2, इसी फॉर्मूला को हम लोग अप्लाई करते हैं। तो देखिए तो c के जगह पर आपका क्या है 3x और d के जगह पर x, तो क्या हो जाएगा, implies 2 cos 3x plus x by 2 into cos 3x minus x by 2 minus cos 2x equal to आपका हो गया 0। अब क्या कीजिएगा, 2 cos 3 और 1 4, 4 को आधा कीजिएगा तो 2 हो जाएगा, यानी कि 2x into cos 3 से 1 गया 2, 2 बटे 2 1 यानी कि x minus cos 2x equal to आपका हो गया 0। यहां तक कोई दिक्कत परेशानी आपको नहीं होगी, और होगी भी कैसे, बिल्कुल नहीं हो सकती है। अब देखिए कि cos 2x cos 2x आपका कॉमन आ जाएगा, कॉमन ले लीजिए,
आप जो है cos 2x कॉमन ले लीजिए, तो 2 cos x माइनस 1 इक्वल टू आपका क्या हो गया, जीरो। और अब आप इसको दो भागों में बांट दीजिए। कैसे कैसे बांटिएगा, इंप्लाई cos 2x बराबर जीरो या 2 cos x माइनस 1 इक्वल टू आपका जीरो हो जाएगा। कहने का मतलब क्या हुआ कि cos 2x इक्वल टू जीरो और यहां पे cos x बराबर क्या हो जाएगा, तो देखिए यह एक उस तरफ जाएगा तो प्लस वन और दो से भाग दीजिएगा यानी कि एक बटे आपका हो गया दो, 1/2, समझ गए। अच्छा अब एक चीज आप बताइए कि कॉस में वैसा कौन सा एंगल है, कौन सा डिग्री है जिसका मान 1/2 होता है, तो आप कहेगा सर 60 डिग्री, बिल्कुल सही बोलिएगा। यानी कि यहां पर आप कॉस 60 डिग्री या कॉस पाई बाय 3 आप इसको लिख सकते हैं। कहने का मतलब है क्या मिला कि कॉस 2x बराबर 0 या cos x बराबर cos पाई बाय 3। और अब देखिए कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होगा, तो फॉर्मूला आपका हो गया cos थीटा इक्वल टू 0, तो थीटा इक्वल टू 2n+1 इंटू पाई बाय 2, n बिलोंग्स टू j। और एक फॉर्मूला cos थीटा इक्वल टू cos अल्फा, तो थीटा इक्वल टू 2m π + -α, n बिलोंग्स टू j। इसी दो फॉर्मूला को आपको अप्लाई करना है, अप्लाई कीजिए, क्या हो जाएगा, यहां पर 2x इक्वल टू कितना, 2n+1 इंटू पाई बाय 2, और यहां पे और इस जगह पे आपका क्या हो जाएगा, x इक्वल टू 2n π + -α, तो अल्फा के जगह पर आपके पास पाई बाय 3 है, तो आप यहां पर लिख दीजिए पाई बाय 3 और n बिलोंग्स टू आपका हो गया j। फाइनली आप यहां पर लिख दीजिए x बराबर, यहां पर 2 गुना में इस तरफ आएगा तो भाग में यानी कि नीचे गुना हो जाएगा, तो क्या लिखेगा, 2n+1 इंटू पाई बाय 4 और x इक्वल टू 2n π + -π/3 वेयर n बिलोंग्स टू j, और यही आपका हो गया आंसर। ठीक है, मैं एक बार मिला लेता हूं आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल ठीक है, देर इज नो दिक्कत, बिल्कुल कोई परेशानी नहीं। ठीक है, तो अब आपको मैं कहूंगा कि फटाफट आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हाँ, और फिर मैं इसको मिटाकर अगले क्वेश्चन को बताता हूं। तेजी से स्क्रीनशॉट लीजिए आप। आइए अब हम लोग बनाते हैं 7 नंबर। ठीक है, तो 7 नंबर सॉल्यूशन मैं यहीं से करता हूं ताकि एक साथ में ये तीनों क्वेश्चन आपका अड़ जाए। तो सॉल्यूशन 7 क्या कहता है कि साइन 2x प्लस कॉस एक्स इक्वल टू आपका 0। साइन 2x का फॉर्मूला अप्लाई कीजिए, क्या हो जाएगा, 2 sin x इंटू कॉस एक्स प्लस कॉस एक्स इक्वल टू आपका हो गया 0। देखिए cos x और cos x ये आपका कॉमन हो जाएगा, तो आप कॉमन ले लीजिए।
तो आपका बाबू cos x कॉमन, तो 2 sin x प्लस 1 इक्वल टू 0 हो गया। दोनों को अलग अलग 0 कर लीजिए, cos x इक्वल टू 0, 2 sin x प्लस 1 इक्वल टू आपका हो गया 0। समझ गया? बीच में और भी लिख सकते हैं। कहने का मतलब है क्या मिला, तो cos x इक्वल टू 0 और यहां से जब आप sin x निकालिएगा तो कितना हो जाएगा, माइनस हाफ। नहीं, एक इधर आएगा तो माइनस है, दो आपका गुना में है तो क्या हो जाएगा, भाग गुना हो जाएगा। देखिए क्या मिला, इक्वल टू cos x इक्वल टू 0 और sin x इक्वल टू माइनस हाफ है ना, तो sin किसका वैल्यू हाफ होता है, 1/2, तो sin 30 डिग्री। तो यहां पर आप लिख दीजिए sin 30 डिग्री। लेकिन अब एक दिक्कत यह हो गया कि ये भाई साहब जो है माइनस में है, समझे, किसमें है, माइनस में। अब आपको दिमाग लगाकर बनाना पड़ेगा। दिमाग कैसे लगाइएगा, आइए मैं आपको बताता हूं। देखिए ध्यान से, यहां पर देखिए x y x डैश y डैश, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। आप जानते हैं कि आपको y एक्सिस का यूज नहीं करना है, समझे। साइन नेगेटिव किस किस घर में होता है, तो साइन नेगेटिव आपका होगा थर्ड क्वाड्रेंट में और साइन नेगेटिव आपका होगा फोर्थ क्वाड्रेंट में। यहां पर 180 डिग्री प्लस, यहां पर 360 डिग्री माइनस, क्योंकि वाई एक्सिस का प्रयोग करते ही नहीं हम लोग, तो इसलिए वाई एक्सिस आपको नहीं लेना है। जब भी लेना है एक्स एक्सिस लेना है, एक्स एक्सिस पे 180 यानी कि 180 और 360 यानी कि 360 डिग्री होता है। और थीटा, थीटा की जगह पे आपके पास क्या है, 30 डिग्री, 30 डिग्री। तो यहां पर आप ले लीजिए 30 डिग्री, समझिए। कहने का मतलब है cos x इक्वल टू 0 और sin x इक्वल टू sin 180 प्लस 30 डिग्री, हाँ, या साइन यहां से 360 माइनस 30 डिग्री हो गया, ठीक। या एक फॉर्मूला यह भी होता है, क्या होता है कि साइन माइनस थीटा इक्वल टू माइनस साइन थीटा। तो आप प्यारे बच्चों इसको आप लिख सकते हैं इस तरह से भी, साइन माइनस 30 डिग्री, यानी कि जितना भी पॉसिबिलिटी है ना, मैं सारे पॉसिबिलिटी को लिख दिया, सारे संभव मान को मैं लिख दिया। आप किसी भी एक मेथड से बनाइएगा तो आपका सही होगा, अलग की बात है कि आपका आंसर का फॉर्मेट बदल जाएगा, समझिए। बुक में आंसर कुछ और हो सकता है, एक ही सवाल का दो अलग अलग किताबें अलग अलग आंसर हो सकता है, ठीक। देखिए तो क्या मिला, इंप्लाइज cos x इक्वल टू 0 और sin x इक्वल टू sin, ये हो गया 210 डिग्री, sin 330 डिग्री, sin माइनस 330 डिग्री। पहले आप डिग्री को रेडियन में बदल दीजिए, समझ गए। तो sin x इक्वल टू sin 210 गुनी पाई बटे 180, sin 330 गुनी पाई बटे 180 साइन माइनस 30 डिग्री, तो 30 इंटू पाई बाय 180। अब इसको काटिया, देखिए जो जो कटता है उसको काट दीजिए, तो ये खत्म, 7 × 21 6 × 18 ये दोनों खत्म, आपका 3 × 18 11 × 33 और 6 × 18 यानी कि क्या मिला, तो आपको मिल गया cos x इक्वल टू 0 और sin x इक्वल टू sin
सेवन पाई बाय सिक्स या साइन इलेवन पाई बाय सिक्स या साइन माइनस पाई बाय सिक्स, इतना सारा आपका संभव मान है। फॉर्मूला कौन कौन सा अप्लाई होगा मैं लिख देता हूं फॉर्मूला। तो फॉर्मूला आपका होता है कॉस थीटा इक्वल टू जीरो, तो थीटा इक्वल टू एन प्लस वन इंटू पाई बाय टू, एन बिलोंग्स टू जेड होता है, ये बात आप समझ लीजिए। और आपका साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फा इंप्लाइज थीटा इक्वल टू एन पाई प्लस माइनस वन पे पावर एन इंटू अल्फा, याद रहे एन बिलोंग्स टू जेड आप दोनों में लिखिए, लास्ट में आपको एन बिलोंग्स टू जेड को लिखना है। तो देखिए तो आपका क्या आंसर हो जाएगा, समझ गए। आइए अब आप आंसर को देखिए, तो इस वाले केस में इंप्लाइज, इस वाले केस में एक्स इक्वल टू कितना हो गया टू एन प्लस वन इन टू पाई बाय टू एन बिलोंग्स टू जे, हाँ ए। और यहां वाला यदि फर्स्ट लीजिएगा तो क्या हो जाएगा, ये फॉर्मूला लगेगा एक्स इक्वल टू एन पाई प्लस माइनस वन पे पावर एन इंटू अल्फा, अल्फा की जगह पे सेवन पाई बाय सिक्स ले लीजिए, एन बिलोंग्स टू जे। और यदि दूसरा वाला लीजिएगा तो एक्स इक्वल टू एन पाई प्लस माइनस वन पे पावर एन इलेवन पाई बाय सिक्स एन बिलोंग्स टू जे, और x इक्वल टू आपका हो जाएगा n पाई प्लस माइनस वन पे पावर n और अल्फा की जगह पे माइनस पाई बाय सिक्स n बिलोंग्स टू j, समझे। तो इतना सारा आपका संभव मान हो सकता है, ये सब का सब आपका आंसर है। तो इसमें आपको दो आंसर लिखना मैंडेटरी है, कौन कौन सा, एक तो आपको पहला लिखना ही पड़ेगा, समझिए, क्योंकि पहला इसका सोल्यूशन है। इसके बाद ये जो तीन है, इस तीन में से कोई भी एक आप यदि लिख देते हैं तो वह बिल्कुल सही माना जाएगा, मेरी बात समझे। यदि आप सिर्फ ऊपर वाला लिख दिए तब भी सही है, या सिर्फ आप ये बीच वाला लिख दिए तब भी सही है, या फिर सिर्फ आप ये नीचे वाला लिख दिए तब भी सही है। इस चीज को आपको समझना पड़ेगा, क्या समझना है कि आपका ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन में त्रिकोणमितीय समीकरण में आंसर का फॉर्मेट बदल सकता है, ठीक। तो आइए फटाफट आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हाँ, फिर मैं नेक्स्ट दो क्वेश्चन बचा है, मैं कोशिश करता हूँ कि एक ही साथ बता दूँ, यदि हो जाएगा तो ठीक, इसको फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए, टाइम खराब मत कीजिए, फटाफट कीजिए। चलिए आप स्क्रीनशॉट ले चुके हैं और मैं बोर्ड को भी मिटा दिया हूं, और अब हम लोग आठ और नौ नंबर को पढ़ते हैं, ठीक है। देखिए आपका आठ नंबर क्या करता है, क्वेश्चन एट, इसको सॉल्व करना है, सॉल्यूशन कहता है कि sec स्क्वायर टू एक्स इक्वल टू वन माइनस टेन टू एक्स, ठीक। तो sec स्क्वायर थीटा बराबर वन माइनस टेन स्क्वायर, बल्कि वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा होता है, इसको वन प्लस टेन स्क्वायर टू एक्स लिख सकते हैं, इसको sec स्क्वायर टू एक्स इक्वल टू वन माइनस टेन टू एक्स, ये दोनों कैंसिल, तो टेन स्क्वायर टू एक्स इस तरफ लेते आइए प्लस टेन टू एक्स इक्वल टू आपका हो गया जीरो। तो आपको क्या करना है कि टेन टू एक्स कॉमन ले लेना है, यहां पर टेन टू एक्स प्लस वन इक्वल टू आपका हो गया जीरो, ठीक है। और अब दोनों को अलग अलग कर लीजिए, implies tan 2x equal to 0
और टेन टू एक्स प्लस वन इक्वल टू जीरो, यानी कि यहां से टेन टू एक्स इक्वल टू जीरो और टेन टू एक्स इक्वल टू आपका हो गया माइनस वन। कहने का मतलब है कि माइनस 1045 डिग्री। अब यहां पर माइनस आ गया तो इस माइनस को आपको सॉल्व करना पड़ेगा, और तरीका क्या है मैं आपको बताता हूं। देखिए इस तरह से आप बना लीजिए एक्स वाई एक्स डैश वाई डैश फर्स्ट क्वाड्रेंट सेकेंड क्वाड्रेंट थर्ड क्वाड्रेंट फोर्थ क्वाड्रेंट। आप वाई एक्सिस का यूज नहीं कीजिएगा और टेन आपका निगेटिव है माइनस है तो टेन आपका सेकेंड क्वाड्रेंट में माइनस होता है और टेन आपका फोर्थ क्वाड्रेंट में माइनस होता है। सेकेंड क्वाड्रेंट में जाने का रास्ता है 180 माइनस, फोर्थ क्वाड्रेंट में 360 डिग्री माइनस। माइनस में कितना तो जो यहां पर एंगल दिया हुआ है वही एंगल लिख दीजिए यानी कि 45 डिग्री 45 डिग्री तो यहां पर हो गया 45 डिग्री। क्या हो गया तो माइनस 45 डिग्री यानी कि आप क्या लिखे तो आप इस प्रकार से इसको लिख सकते हैं इंप्लाइज 10 2x इक्वल टू जीरो और 10 2x इक्वल टू 10 ये लिखिएगा 180 डिग्री माइनस 45 डिग्री ये लिखिएगा तो 10 360 डिग्री माइनस 45 डिग्री। या आप एक और फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं वो क्या कि 10 माइनस थीटा इक्वल टू माइनस 10 थीटा होगा। आप इस फॉर्मूला को भी अप्लाई कर सकते हैं यानी कि ये माइनस डायरेक्ट आपका अंदर घुस जाएगा यानी कि 10 माइनस 45 डिग्री। कहने का मतलब है कि 10 2x इक्वल टू 0 और 10 2x इक्वल टू 10 180 से 45 गया 135 यानी कि 135 डिग्री। 10 360 से 45 गया तो 315 यानी कि 315 डिग्री और 10 माइनस 45 डिग्री तो आपका है। अब इस डिग्री को आप बदल लीजिए रेडियन में। कहने का मतलब क्या हुआ कि 10 2x इक्वल टू 0 और 10 2x इक्वल टू 10 135 गुनी पाई बटे 180 10 315 गुनी पाई बटे 180 या 10 माइनस 45 गुनी पाई बटे 180 ठीक। इसको काटी देखे तो क्या मिलेगा ये आपका 5 से कटेगा तो 5 गुनी 10 समझ गए 5 बल्कि 5 15 से कट जाएगा 15 नवा 35 से 15 कम 15 समझ गए 15 कम 15 15 दूनी 30 और भी कटेगा किससे तो 3 से 3 और आपका 4 ये देखिए तो किससे कटेगा ये भी आपका 15 से कट जाएगा 15 दूनी 30 15 कम 15 और 15 कम 15 15 दूनी 30 फिर कटेगा 3 से 7 के 4 3 12 और ये आपका 4 बार में कट गया। कहने का मतलब है कि क्या मिला तो मिल गया 10 2x इक्वल टू 0 और 10 2x इक्वल टू 10 3 पाई बाय 4 या 10 7 पाई बाय 4 या 10 माइनस पाई बाय 4 ये 3 संभव यहां पर मान है। और
अब फॉर्मूला कौन सा अप्लाई कीजिएगा, तो फॉर्मूला होता है tan थीटा इक्वल टू जीरो, तो थीटा इक्वल टू एन पाई। और एक फॉर्मूला होता है tan थीटा इक्वल टू tan अल्फा, तो थीटा इक्वल टू एन पाई प्लस अल्फा, जहां पर n आपका z में होता है, यानी कि n आपका इंटीजर होता है, पूर्णांक संख्या होता है। आइए तो अब एक एक करके आप अप्लाई कीजिए, देखिए आंसर क्या मिलेगा। तो इंप्लाइज यहां से 2x इक्वल टू एन पाई, ठीक है, और इसका ये लीजिएगा तो ये तो 2x इक्वल टू एन पाई प्लस अल्फा, अल्फा के जगह पे 3 पाई बाय 4 ले लीजिए, या 2x इक्वल टू एन पाई प्लस अल्फा, अल्फा के जगह पे 7 पाई बाय 4, या 2x इक्वल टू एन पाई और अल्फा के जगह पे माइनस पाई बाय 4, जहां पर n बिलोंग्स टू z, सभी के लिए है। अब आप फाइनली x का मान निकाल लीजिए, इंप्लाइज x बराबर यहां से n पाई बाय 2 और x बराबर यहां से n पाई बाय 2 प्लस 3 पाई बाय 8 और यहां से n पाई बाय 2 प्लस 7 पाई बाय 8। एक और हमें यहीं पे लिख देता हूं, और x इक्वल टू n पाई बाय 2 माइनस पाई बाय 8, जहां पर n बिलोंग्स टू j, समझ गए। तो यही आपका हो गया आंसर। इसमें से एक देखिए, ये तो आपको लिखना ही पड़ेगा, क्योंकि ये आपका tan 2x इक्वल टू 0 के लिए है सॉल्यूशन, और इस तीनों में से आप कोई भी एक लिख दीजिएगा, समझिए, कोई भी एक यदि आप लिख देते हैं तो आपके आंसर सही है। कोई जरूरी नहीं है कि आपको तीनों लिखना ही लिखना है, ठीक है। मैं ऐसे मिला लेता हूं कि एनसीईआरटी में क्या दिया हुआ है, तो n पाई बाय 2, वेरी गुड, और ये फर्स्ट नंबर ही ये तो दिया ही है, साथ में ये दिया है, समझिए। तो ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये दोनों भी मान आपका संभव है, इसीलिए जितना मैक्सिमम होता है मैं उतना मैक्सिमम बता देता हूं, ताकि आपको कोई समस्या कोई परेशानी नहीं, ठीक है। अब आप इसका फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए और फिर मैं दूसरे क्वेश्चन को बताता हूं, और ये आपका लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है, फटाफट लीजिए इसके स्क्रीनशॉट, देरी मत कीजिए, फटाफट तेजी से। चलिए आप स्क्रीनशॉट ले लिए, तो अब लास्ट क्वेश्चन है आपका 9, इसको हम लोग बनाते हैं साइन x प्लस साइन 3x प्लस साइन 5x, इसमें किसी दो को आप एक साथ ले लीजिए, किसी दो को आप एक साथ ले लीजिए, और एक बार ये कोशिश कीजिए कि क्या दोनों एंगल को जोड़कर यदि दो से भाग देते हैं तो नेक्स्ट वाला आता है क्या। जैसे देखिए यह 5x है ना, और यहाँ पर x है तो 6x हो जाएगा, और 2 से भाग दीजिएगा तो कितना आ जाएगा 3x। इसीलिए प्यारे बच्चों ज्यादा अच्छा रहेगा कि sin 5x और sin x को आप एक साथ ले लीजिएगा, हालांकि ये दोनों भी एक साथ लीजिएगा तब भी बनेगा, ये दोनों भी एक साथ लीजिएगा तब भी बनेगा, लेकिन फॉर्मेट आपका आंसर का फॉर्मेट में फर्क पड़ जाएगा। तो कोई दिक्कत नहीं, आप जैसे चाहे वैसे बना सकते हैं, हाँ आंसर नहीं मिलेगा तो कोई दिक्कत नहीं, आप तो सही है ना जी, क्या दिक्कत है। देखिए क्या करते हैं, तो सॉल्यूशन 9 नंबर, साइन 5x प्लस साइन x एक साथ प्लस साइन 3x इक्वल टू 0, और यहां पर फॉर्मूला लगा दीजिए साइन c प्लस साइन d का, तो साइन c प्लस साइन d इक्वल टू होता है 2 साइन c प्लस d बाय 2 इंटू कॉस c माइनस d बाय 2,
ये सी और ये आपका हो गया डी। तो देखिए तो क्या होगा, तो इंप्लाइज 2 sin 5x + x/2 इंटू कॉस 5x - x/2 अब प्लस साइन 3x इक्वल टू आपका हो गया 0। कोई दिक्कत है? हम लोग कौन सा फॉर्मूला लगाए, तो फॉर्मूला लगा दिए साइन सी प्लस साइन डी। ठीक है, और अब देखिए तो क्या कीजिएगा, अब आपका क्या हो गया, तो 2 sin 5 1 6 3x इंटू कॉस 5 से 1 गया कितना 4 2 2x प्लस साइन 3x इक्वल टू आपका हो गया 0। देखिए तो इस दोनों को आप कॉमन ले लीजिए, तो क्या होगा कॉमन लीजिएगा तो इंप्लाइज साइन 3x कॉमन 2 cos 2x + 1 = 0 यानी कि साइन 3x = 0 और 2 cos 2x + 1 = आपका हो गया 0। नहीं ये 0 या फिर ये 0। अब क्या मिलेगा देखिए तो इंप्लाइज साइन 3x = 0 या cos 2x = ये प्लस 1 है ना, इस तरफ जाएगा तो माइनस 1 और यहां पर 2 गुना में है तो क्या हो जाएगा घन। और अब इसको आप ऐसा लिख सकते हैं माइनस cos कितना डिग्री का मान होता है 1/2 cos में तो 60 डिग्री का, यही ना जी, तो यहां पर क्या लिखिएगा 60 डिग्री। लेकिन याद रहे कि बाहर आपका नेगेटिव है, तो बाहर नेगेटिव है ना, तो आपको फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। कौन सा फॉर्मूला आपको मैं समझाता हूं, देखिए एक्स वाई एक्स डैश वाई डैश 0 फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट, कॉस आपका नेगेटिव है तो कॉस किस घर में नेगेटिव होता है, तो कॉस आपका होता है सेकेंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव और कॉस आपका होता है थर्ड क्वाड्रेंट में नेगेटिव। आपको कभी भी वाई एक्सिस का यूज नहीं करना है, इसको काट दीजिए, यहां पर क्या बच गया 180 डिग्री माइनस और यहां पर 180 डिग्री प्लस, क्या प्लस क्या माइनस कीजिएगा तो वो 60 डिग्री है 60 डिग्री, तो आप 60 डिग्री यहां पर लिख दीजिए। कहने का मतलब है क्या मिला, कहने का मतलब आपका है इस प्रकार से साइन 3x = 0 और कॉस 2x = cos ये लिखेगा तो आपका हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री, यदि इसको लिखिएगा तो cos 180 डिग्री प्लस 60 डिग्री होगा। अच्छा एक चीज ध्यान में रखिएगा प्यारे बच्चों कि cos माइनस थीटा इक्वल टू cos थीटा ही होता है, इसीलिए इसके पहले जैसे मैं sin और tan में मैं माइनस अंदर घुसा दिया था, आपका cos में माइनस अंदर नहीं घुसेगा। तो क्या मिल गया देखिएगा तो साइन 3x = 0 और cos 2x = cos ये आपका 120 डिग्री और cos ये आपका हो गया 240 डिग्री। और अब आपको डिग्री को बदलना है रेडियन, तो कैसे बदलिएगा आइए, इंप्लाइज साइन 3x = 0 और cos 2x = cos 120 डिग्री है, तो डिग्री को रेडियन में बदलने के लिए पाई बटे 180 से गुना कर दीजिए, और भी एक है cos कितना 240 इसको पाई बटे 180 से आप गुना कर दीजिए मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो देखिए तो क्या मिला, किससे कटेगा
60 से कटेगा, 6 दूनी 12, 6 ती 18, ये भी कटेगा, 6 चौके 24 और 6 ती 18। तो देखिए तो कितना मिला फाइनली आपको, क्या मिल गया आपको, मिल गया साइन 3x इक्वल टू 0 और cos 2x इक्वल टू cos 2 पाई बाय 3 cos 4 पाई बाय 3, समझे। और अब आप अप्लाई कीजिए फॉर्मूला, कौन सा फॉर्मूला अप्लाई कीजिएगा, तो साइन थीटा बराबर 0 तो थीटा इक्वल टू n पाई, cos थीटा इक्वल टू cos अल्फा implies theta equal to 2n pi plus minus alpha, इसी दो फॉर्मूला को आपको अप्लाई करना है जहां पर n belongs to z, यानी कि n आपका इंटीजर होता है। यहां से क्या हो जाएगा, implies 3x equal to n pi और यहां से 2x equal to 2n pi plus minus alpha, अल्फा के जगह पे 2 पाई बाय 3 या 2x इक्वल टू 2 एन पाई प्लस माइनस अल्फा, अल्फा के जगह पे 4 पाई बाय 3 ले लीजिए, यानी कि दोनों में से कोई भी आप एक ले लीजिए। फाइनली आपको क्या मिलेगा, x इक्वल टू एन पाई बाय 3 और x इक्वल टू 2 कोमा लेकर काट दीजिए तो एन पाई प्लस माइनस पाई बाय 3 और x इक्वल टू n pi प्लस माइनस 2 pi बाय 3, लास्ट में आप लिख दीजिए n बिलोंग्स टू j और यही आपका हो गया आंसर, समझिए यही आपका हो गया आंसर। इसमें से देखिए यह एक तो आपको लिखना ही पड़ेगा और इस दोनों में से कोई भी यदि एक आप लिख देते हैं तो आपका सही है, चाहे पहला लिखे या फिर दूसरा लिखे। मैं एक बार मिला लेता हूं कि एनसीईआरटी में क्या है, तो एनसीईआरटी में पहला ही लिखा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आप दोनों लिख सकते हैं, समझ गए। तो इस तरह से एनसीईआरटी के मैं सारे क्वेश्चन को बता दिया, होप कि आपको अच्छा लगा होगा। आप कमेंट करके बताइए, मैं देख रहा हूं कि कई सारे बच्चे कमेंट लिख रहे हैं कि हाँ सर अच्छा लग रहा है, मजा आ रहा है, वेरी गुड, बहुत बहुत मुबारक। मैं उतना देर से आप लोग का रिप्लाई नहीं कर पा रहा था क्योंकि मैं सवाल बनाने में व्यस्त था, बिजी था, ठीक है बच्चों, बताइए थम्स अप करके बताइए कैसा लगा ये सेशन, फटाफट बताइए, ठीक है, वेरी गुड, अच्छा चलिए कोई बात नहीं, ठीक है ठीक है, एंजॉय कीजिए, चलिए इसको नोट कीजिए, हाँ स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अब हम लोग अगले सेशन में अदर बुक से पढ़ेंगे, ठीक है। आप कमेंट करके मुझे बताइए, फटाफट कमेंट करके बताइए तो, कि अगले सेशन में आप कौन सा अदर बुक से पढ़ना चाहते हैं, किस राइटर से, फटाफट बोलिए। केसी सिन्हा, अच्छा ठीक है ठीक है, तो कल मैं केसी सिन्हा से ही आपको बताता हूँ, ठीक है बच्चों, चलिए ठीक है, थैंक यू, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप।